जी आज जो घूमती चाय है ना वो टर्किश टर्किश चाय न्याजी को मंतिक अंजाम तक पहुंचाए। और ये स्पाइसी चिकन है, ये जनाब इस चाय की बदौलत ही न्याजी आज जेल पहुंच गया है इंशाअल्लाह। लो जी देखा है आपने कि अब नई इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई है। और नई इल्ज़ाम तराशी ये है कि जनाब जज जो है वो हुमायूं दिलावर वो उसको रिश्वत दी गई है। और फैसला सुनाने के बाद उसको कहा गया है कि जनाब तुम वीआईपी तरीके से लंदन की सैर करो और ये तुम्हारा इनाम है। झूठ, बिल्कुल झूठ, इन्होंने झूठ ही बोलने हैं, बोलने ही झूठ है इन्होंने। वो इसलिए कि ये जो हुमायूं दिलावर की जो 3 दिन पहले मैंने वीडियो में बता दिया था कि हुमायूं दिलावर जो है वो आ रहे हैं इसमें जुडिशल कोर्स करने के लिए लंदन में, तो हमने 3 दिन पहले हमारी वीडियो आप चेक कर लें उसमें बता दिया था। तब कोई फैसला ये नहीं आया था। अब ये कहा जा रहा है कि नहीं जी उनको ये रिश्वत के तौर पे या इनाम के तौर पे ये चीज़ दी गई है, ये बिल्कुल गलत है, इल्ज़ाम है। और इल्ज़ाम खान ने तो इल्ज़ाम लगाने ही लगाने हैं उनके। वो सारे मैं देख रहा था कि वो जनाब धड़ाधड़ जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये जो इल्ज़ाम तराशी है ना ये गलत है। और इनका पहले का प्रोग्राम था और ये मेरे बड़े भाई भी जज रहे हैं, उनके कोर्स वगैरह होते हैं। कभी ये शरिया कोर्स करने मेरे बड़े भाई इंडोनेशिया गए थे, वो भी सेशन जज रिटायर हैं। तो ये इनके कोर्स वगैरह चलते रहते हैं। ये भी इनका 12-14 दिनों का कोर्स है जिसमें वो आए हैं। लेकिन सर जी मिर्चें तो लगनी है ना लंदन का नाम आते ही, वैसे भी उनको लंदन प्लान बड़े मशहूर है जी, लंदन प्लान हर चीज़ को वो लंदन से वो कहते हैं ये नवाज शरीफ साहब डील कर रहे हैं। वैसे ये भी नवाज शरीफ साहब की इज्जत में इजाफे वाली बात है, ठीक है। तो ये हो गया है। दूसरा जनाब आपको ये बताएं कि ये झूठ है और उनका पहले का प्रोग्राम था और एक और सेशन जज थे उनका वीज़ा नहीं लगा और इनका वीज़ा पहले का लगा हुआ था। तो ये सारी ये कोई ऐसी इसमें बात ही नहीं है। ये फैसले से पहले का हमें पता था कि इन्होंने जनाब 2 दिन के बाद जाना है, ठीक है। ये हो गया। अब आए जी शहबाज शरीफ साहब ने आज बहुत बड़े जलसे से खिताब किया है कसूर में और उन्होंने कहा जी कि हम इंशाल्लाह ताला आइंदा अगर मुंतखब किया गया हमें नून लीग को, तो नून लीग काफ़ी बड़ा जलसा था, काफ़ी बड़ा, जितना बड़ा आप कह सकते हैं उतना बड़ा था। तो नून लीग को अगर मौका मिला तो वो जनाब इसका वो करेंगे और पाकिस्तान में तरक्की के लिए सारे कदम करेंगे और हम बहुत तेज़ी के साथ ये काम करेंगे, ठीक है। ये उन्होंने कहा है और मुबारकबाद और नून लीग वालों को कि बहुत बड़ा जलसा किया है उन्होंने, बहुत बड़ा, काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने जलसा किया है। और शहबाज शरीफ अपनी पूरी फॉर्म में नज़र आए हैं, पूरा परफॉर्म कर रहे हैं सही तरीके से, बेहतरीन उन्होंने गुफ्तगू की है। और उन्होंने कहा है जी कि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं और अदालतों में पेश हुए हैं, गए हैं और वो बड़े कोई शोर वगैरह उन्होंने नहीं किया और न्याजी की तरह सर पे टोप नहीं चढ़ाया, ठीक है ना जी। मैंने कहा ना मैं सर ग्राई की एक चीज़ मिस करूँगा, वो जो सर पे वो टोपी चढ़ाते हैं ना टोप, उसको मैं मिस करूँगा, वो मेरा ग्राई है, ठीक है ना जी। आप भी बताएं आप किस चीज़ के इमरान खान के मिस करेंगे। वैसे तो उसकी जो चबलियाँ हैं वो हर जगह मौजूद हैं, उसको लोग सारे ही मिस करेंगे, ठीक है। ये हुआ है। और इसके अलावा सर जी आज बहुत बड़ा हादसा हो गया है और ये हमेशा होता है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और बेहतर है। मैं तो साद रफ़ी को ये कहूँगा कि 9 तारीख को असम्बली टूट रही है ना, तो आप आज ही रेलवे की जिम्मेदारी कबूल करके इस्तीफ़ा दे दें, ठीक है। ये तो इत्तफाक की बात है ना कि 2 दिन बाद असम्बली ने टूटना है, लेकिन आप एज ए जस्टर के आपकी जिम्मेदारी है। जियो ने बताया है कि जनाब वहाँ से ट्रैक जो है वो ख़राब था जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है, तो आपको इस्तीफ़ा आप दे दें, 2 दिन का दे दें, आपकी इज्जत में इजाफा होगा कि हाँ जी मेरी गलती है
और यहाँ पे होना चाहिए। मेरी तरफ से साद रफीक साहब को बरादराना मशवरा है, और जो बाकी जो लोग फौत हो गए हैं उनके लिए हमारे दिल में बड़ा दुख है, दर्द है, सारा कुछ है। उसके अलावा जनाब अली कामरान मुर्तजा साहब ने भी बड़ी बातें की हैं कि बलूचिस्तान को जो है वो तरक्की से महरूम किया जा रहा है, उनके हकूक से महरूम किया जा रहा है, ठीक है। उस हवाले से भी उन्होंने बातें की हैं, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था उसमें तरमीम करके उसको दोबारा मंजूर कर लिया गया है, और अब सबसे बड़ी जो वो खला पैदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि जनाब अली जो ये इसे क्या कहते हैं इलेक्शन है वो इन टाइम नहीं हो रहा, सब कह रहे हैं नहीं हो रहा, ठीक है। और उसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, मुझे तो लगता है कि साल लग जाएगा, ठीक है। तो दूसरा ये है कि जनाब राना सनाउल्लाह ने क्लियर किया है कि ना तो शाहिद खाकान अब्बासी का नाम निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे हमने दिया है और ना इसहाक डार का दिया है, और इस वक्त दो नाम हैं जो बड़े अहम हैं, एक हफीज़ शेख का और एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस है। मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है कि शायद वो तसद्दुक़ जिलानी हों, मुल्तान के तसद्दुक़ जिलानी सरेकी दरार, ठीक है। ये मुझे अंदाज़ा है, किसी ने बताया नहीं, मैं सबसे पहले कानूनी टीवी आपको बता रहा है कि वो तसद्दुक़ जिलानी साहब भी हो सकते हैं। बड़े नाइस आदमी हैं, डिसेंट आदमी हैं, हाल ही में उनको अमेरिका से बहुत बड़ा एक अवार्ड मिला है जुडिशरी में, उन्होंने जो बेहतरीन काम किए हैं उस हवाले से, और वो गैर मुतनाज़ा रहे हैं, वो साकिब नासूर की तरह लोगों को खामखा डांटते नहीं रहे, अपनी गुंडागर्दी और बदमाशी नहीं करते रहे। और आज शहबाज शरीफ साहब ने भी नाम लिया है कि साकिब निसार ने जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को निशाना बनाया, तो आज इंशाल्लाह वो खुद लोग इबरत का निशान बनेंगे। बाकी जनाब आए अटक की बातें, कहीं अटक ही ना जाए ना हर चीज़। कह रहे हैं जनाब वो यूट्यूबर जो इमरान्डूज यूट्यूबर है, इमरान्डूज हूँ तो कोई थोड़ा आराम है, वैसे हूँ आराम है तहु। और वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये उसे क्या कहते हैं पूरे जी शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है, ये वो हमारे दोस्तों के वहाँ फ़ोन आ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ जेल में कर्फ्यू है और वो भी सिर्फ न्याजी के लिए है। जो अब अनकरीब आप देखेंगे कल तक अगर उसकी बेल ना हुई तो उसने कह देना है कि मुझे बवासीर है और मुझे आप उसमें अस्पताल में दाखिल करें, ठीक है। तो आखिर में ये मैं जिस टर्किश बेकरी एंड कैफ़े में बैठा हूँ, बहुत खूबसूरत है, यहाँ मैंने टर्की चाय पी है जो आपको मैंने दिखाई है, और स्पाइसी चिकन बेकरी का वो आइटम वो खाया है, हलाल फूड है, मैनचेस्टर का जो पिकाडली का इलाका है वहाँ पे ये है, तो देख लें बड़ी खूबसूरत है ये सारा बेकरी। तो ये इन्होंने मुझे पहचान भी लिया है कि आप यूट्यूब बनाने वाले हैं, तो ये अच्छा रेस्टोरेंट है आपके पास, हाँ जी, और सस्ता भी है, सस्ता भी है। ये भी लाहौर से हैं जी, लाहौर से, तो ये देखें आपने भी, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे हम मुलाकात करते हैं। खूबसूरत इलाका है पिकाडली का, और इसमें जनाब वो आप देखेंगे कि ये वाला ये रेस्टोरेंट है टेक टाट, ठीक है, ये वाला। तो आप भी इधर आएँ तो यहाँ से खाएं पिएं, और आपको इंशाल्लाह मज़ीद ताज़ा ख़बरें बताते हैं। और मुझे ये पता है कि कल तक इमरान खान बवासीर का बहाना करके हस्पताल में दाखिल हो जाएगा, ठीक है। कल उन्होंने अपील करनी है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है कि कल इमरान की ज़मानत होगी, ठीक।